अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश साहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। नाज़रीन, आज मीरे शाह में 14 अगस्त से पहले ही जो 14 अगस्त का प्रोग्राम हुआ है वो हम हाफिज़ मोहम्मद फजल साहब से पूछेंगे जो कि सोशल वर्कर हैं इस इलाके के। सर से हम पूछते हैं, एक तो हमें बताएँ कि जो 14 अगस्त से पहले ही 14 अगस्त का प्रोग्राम हो गया है इसकी क्या वजह है और अपने इलाके के लिए ये क्या कर रहे हैं। आएँ सर के व्यूज़ दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त हर साल हम यहाँ जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। इस साल आपको इल्म होगा कि 14 अगस्त जो है वो मुहर्रम हराम में आ रहा है, तो उस माह मुकद्दस के एहतराम में हम उससे पहले 14 अगस्त से पहले 14 अगस्त मना रहे हैं ताकि जो इबादत और इसाल और कुर्बानी का जो महीना आ रहा है उसमें उस महीने की हम ज़्यादा से ज़्यादा अदब कर सकें और उसमें उसका एहतराम कर सकें। और दूसरा, ये मौज़ा मीरे शाह यूसी कादरपुर सादकाबाद तहसील का एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं आप बच्चों का जोश व खरोश। ये हर साल हम इवेंट ये करते हैं 14 अगस्त का ताकि अपने नौजवानों को, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी दी है, हमारे फोर फादर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए, उससे इनको रोशनास किया जाए, इनको बताया जाए और इनके अंदर भी जज्बा हो। जिस तरह हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए और हमारे बड़ों ने इस अपने गांव के लिए, इस इलाके के लिए जो खिदमत की है, हम भी उसी जज्बे को साथ ले कर आगे जितना हो सके हम कंट्रीब्यूशन करें और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। अच्छा सर जी, आपको इधर कैसा फील हो रहा है अपने इलाके में ये प्रोग्राम देख के? माशाल्लाह जी, मैं इस इलाके काउंसलर हूँ, जनरल काउंसलर हूँ। इलाके में बड़े आवाम इस खिदमत के जज्बे से हम 14 अगस्त मनाते हैं, इसलिए है कि हमारे जो नौजवान है ये कहीं गलत राह पे ना चल जाए, ये इधर बैठ के अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने गाँव का सोचे और बुरे कामों से बचे, मंशात से, जिना, दूसरे कामों से। हम ये प्रोग्राम ज़्यादातर इस जज्बे से करते हैं कि हमें नौजवान लड़के यहाँ आके इस प्रोग्राम को देखें बजाय के दूसरे गलत काम में चले, अपने इलाके के हम नाम रोशन करें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें। हाँ, ये प्रोग्राम इसलिए हर साल मुनक़द करते हैं, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है, नौजवान हमें काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ लिख के, बजाय दूसरे इलाकों के नशा शराब जिना इस लानत से हमारा इलाका पाक साफ हो रहा है, इस जज्बे से हम ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपको कितना इधर आपने कितना एंजॉय किया, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? ये हमारा इलाका जो है ना सरदारों को जेरे साया रहा है, पसमंदा इलाका है काफ़ी, इसके लिए वाले साहब ने, फजल अजीम के वाले साहब ने बहुत जदोजहद की है और बहुत मेहनत की है। यहाँ के लोग इधर आते थे, वोट लेकर चले जाते थे, हमने कोशिश की अपनी तरफ से, मेहनत की है जितनी हमारी थी उस हिसाब से। अब ये जो जश्न है ना, हम अब आज़ादी का जश्न मनाते हैं, अभी जो जश्न 14 अगस्त आ रहा है हम परेशान थे, अभी क्या करें, इसलिए हमने पहले ईद से पहले ईद कर दी है। बस यही कहते हैं हम लोग नौजवानों के लिए, यही है कि मेहनत करें, आगे बढ़े। हमारा क्या है, उम्र के हिसाब से हम तकरीबन 70 में पहुंच रहे हैं, तो अपने नौजवान ये देखेंगे, इससे जुस्तजू बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तरक्की करेंगे। ठीक। मैं राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर साल इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, आज भी राशिद साहब से पूछते हैं। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है और ऐसे इलाकों में ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो राशिद साहब से पूछते हैं कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, ये बात सारी आप देख रहे हैं, इतना बड़ा एक समा बना हुआ है, एक आज़ादी का एक माहौल है, इस हवाले से हम हर साल अपना एक इवेंट करते हैं, हम सारे लोगों को इकट्ठे करते हैं। आजकल के दौर में एक बैठना भी एक बड़ा जो है वो एक मसला है, हम सब लोगों को इकट्ठे बजा के सबको एक हंसाना चाहते हैं, एक वक्त दिखाना चाहते हैं कि हम आपस में भी एक बैठ सकते हैं। और इतना बड़ा आप हाल है, इतना समा बना हुआ है और लोग दूर दराज से जो है हमारे पास यहाँ इधर आ रहे हैं, हमारा जो है वो मैं मामा ने खसूसी भी हूँ अजीम रही अतात का इस हवाले से, और कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ इस हवाले से, और 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर हूँ, और मैं इलाके रीजनल अफ़िसर भी हूँ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इससे मज़ीद जो है वो आने वाले वक्त में इससे और भी अच्छा जो है प्रोग्राम किया जाएगा। वस्सलाम। अच्छा सर जी, प्रोग्राम के बारे में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, आप चाहते हैं कि आपके इलाके में ऐसे प्रोग्राम होते रहें?
जी हम चाहते हैं, हम पहले भी कई साल करते रहे हैं, हम ही मैनेज करते हैं, हम ही करते हैं, फजल भाई होते हैं, जिया भाई होते हैं, इदरीस भाई होते हैं, राशिद भाई होते हैं, मिलके ही करते हैं, हम इलाके के लिए ही करते हैं ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट मिले। बहुत ही अफरा तफरी का दौर है, इस अफरा तफरी के दौर में ऐसी इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर जी, आज का जो प्रोग्राम था आपने पूरे इलाके में से हमने देखा है मेहमानों को बुलाया हुआ है, थोड़ा सा तारफ़ करवाएँ आपने किधर किधर से मेहमान बुलाए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पूरा वसेब यहाँ मौजूद है, साद कबाद से, रहीमर खान से, जहाँ जहाँ पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और इन चीज़ों को अच्छा समझते हैं और हमारी सपोर्ट करते हैं, हम उस हर उस दोस्त को यहाँ इनवाइट करते हैं जो यहाँ आके हमारे साथ शाना बशाना ये अच्छी काज के लिए हमारी सपोर्ट करें। तो ये हमारे दोस्त हैं जुल्फकार भुट्टो साहब, अच्छा, साद कबाद से, मोहम्मद अली खान लंगाह साहब हैं, लंगाह बरादरी के यहाँ पंजाब के सदर भी हैं, प्रोफेसर मलिक खुदा भाई साहब हमारे सरदार भी हैं, हमारी हरई बरादरी के लोकल कम्युनिटी हमारी, उसके बाद डॉक्टर अकरम अवैसी साहब हैं, ये भी हमारे बहुत ही बड़े वर्कर हैं और सियासी वर्कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरे अहल इलाका के जो भी 4-8 में बैठने वाले सुलझे हुए पढ़े लिखे कारोबारी तबका, एजुकेशन से जिनका ताल्लुक है, किसी भी शोबे से ताल्लुक है, आपको हर शोबे से यहाँ दोस्त यहाँ मिलेंगे। मुदस्सर भाई हैं हमारे, नौजवान हैं या हमारे इलाके की भाग दौड़ करते हैं, हमने सबको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मधु किया है और सबकी मैं आपकी तवसुक से, मीडिया के तवसुक से, आपका और अपने तमाम दोस्तों का बिलखसूस आजकल के इस पुरफतन दौर में जहाँ अपने लिए टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है, दोस्तों ने हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे इलाके के लिए इतना टाइम निकाला, हमें इज़्ज़त बख्शी, आपके तवसुक से हम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे शाह पायदाबाद जी। ये मैं फजल अजीम साहब को, शफीक भुट्टो साहब को, खुदा भाई साहब को, इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम और वो भी इसी देहात के एरिए में ऑर्गेनाइज़ करना जश्न आज़ादी के हवाले से, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों से नौजवानों में बहुत मुस्बत एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया है और जो ये नन्हे मुन्ने जो किरदार और ये फनकार हैं उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक खुदा बख्श का, मोहम्मद शफी का और फजल अजीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत पुरतकल्लुफ, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया मेरा। तो ये प्रोग्राम ये हमेशा कराते हैं और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये नहीं है कि ये पहला प्रोग्राम है, ये कोई भी फंक्शन हो तो इंशाल्लाह ये मेरे भाई ये प्रोग्राम कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहरबानी थी। नाज़रीन, ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है, ख़ासकर सिटी में तो ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं सिटी से बाहर हैं उनमें भी ऐसे, क्योंकि उनके भी नौजवान कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो 14 अगस्त का ये प्रोग्राम इसलिए पहले करवाया है कि अपने जितने भी नौजवान हैं उसको 14 अगस्त की अहमियत बताई जाए। अपने मेज़बान दानिश साहिर को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।